हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीतास बायोलॉजी। आज टॉपिक एमसीक्यू ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म व्हिच डीकंपोज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हैव बीन प्लेस्ड इन द किंगडम डैश। ऑप्शन वन मोनेरा, ऑप्शन टू प्रोटिस्टा, ऑप्शन थ्री फंगाई, ऑप्शन फोर एनिमालिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, दैट इज फंगाई। डाइएटम्स हैव डैश डिपॉजिट ऑन देयर बॉडीज। ऑप्शन वन कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन थ्री म्यूरेमिक एसिड, ऑप्शन फोर फेरस सल्फेट। द करेक्ट आंसर इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए कि द प्रोसेस ऑफ डैश वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफ्थ व्हाइल वर्किंग ऑन डिप्लोकोकस निमोनिया। ऑप्शन वन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन टू ट्रांसलेशन, ऑप्शन थ्री ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन फोर ट्रांसपोर्टेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए कि इन फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स डैश। ऑप्शन वन प्रोकैरियोट्स, सी तो प्रोकैरियोट्स नुहंती। ऑप्शन टू ऑल यूकैरियोट्स, देन ऑप्शन थ्री ऑल प्रोकैरियोटिक एल्गी प्रोटोजुआ एंड फंगाई, देन ऑप्शन फोर ओनली प्रोटोजुआ एंड फंगाई। बट कही पारिबानी आमे ऑल प्रोकैरियोटिक एल्गी प्रोटोजुआ एंड फंगाई, बट एल्गी लाइक स्ट्रक्चर जेमती कि आमे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, देन प्रोटोजुआन भी प्रेजेंट अछि, देन फंगाई लाइक स्ट्रक्चर जेमती कि आमे कही परिबा स्लाइम मोल्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल प्रोकैरियोटिक एल्गी प्रोटोजुआन फंगाई, जोटा कि आमे नॉन बोली भी कही परिबा। टी टोटली जदि देखिबा आमे तार से टाइप रो ऑर्गेनिज्म देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मोस्ट कॉमनली बाय डैश। ऑप्शन वन बडिंग, ऑप्शन टू फिजन, ऑप्शन थ्री कंजुगेशन, ऑप्शन फोर एंडोस्पोर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, दैट इज फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए कि व्हेन फ्लाजेला ऑकर्स ऑल ओवर द बॉडी ऑफ ए बैक्टीरियल सेल, then it is known as dash. Option 1 monotrichus, option 2 lampotrichus, option 3 amphitrichus, option 4 peritrichus. The correct answer is peritrichus. Je dekhiba ame bacteria ro whole body re kon present achi, flagella present thiba. The next question dichi ki rod shaped bacteria are called dash. ऑप्शन वन बैसिली, ऑप्शन टू कोकी, ऑप्शन थ्री स्पिरिली, ऑप्शन फोर फिलामेंटस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, दैट इज बैसिली। जदि हमें देखिबा बैसिली इज द प्लुराल एंड जदि हमें ताकु सिंगुलर रे कहिबा बैसिलस। द नेक्स्ट क्वेश्चन दिछि कि डैश आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नॉन एसेंशियल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्शन वन क्रोमोसोम, ऑप्शन टू ट्रांसपोजिशन, ऑप्शन थ्री प्लाज्मिड, ऑप्शन फोर ए प्लस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बट ऑल जति बहुत सारा सब बैक्टीरिया तो देखिबनी, बट सम बैक्टीरिया पाखरे प्लाज्मिड ऑकर्स करे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिछि कि डीएनए इज डैश शेप्ड इन बैक्टीरिया। वन रॉड शेप, टू सर्कुलर, ऑप्शन थ्री दिछि कि स्पाइरल, ऑप्शन फोर दिछि कि कॉइल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, दैट इज सर्कुलर। नेक्स्ट दिछि कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस डैश टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन वन फ्लाविसिन, ऑप्शन टू एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन थ्री एंटीसेप्टिक, ऑप्शन फोर एंटीकोआगुलेट। ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एंटीबायोटिक।
जरा कि बैक्टीरिया रे प्रोड्यूस करची हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया बट फर्स्ट टाइम जो टू फॉर्मेशन हेतला दैट इज पेनिसिलियम व्हिच इज ए फंगाई. तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिच कि इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ फाइटाकर स्लाइम मोल्ड हैव बीन इंक्लूडेड इन द किंगडम डैश. ऑप्शन 1 मोनेरा, ऑप्शन 2 प्रोटिस्टा, ऑप्शन 3 फंगाई, ऑप्शन 4 प्लांटी, ऑप्शन जी देखिबा हमें करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज प्रोटिस्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन दिच कि द रेड टाइड आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश. ऑप्शन 1 बैक्टीरिया, ऑप्शन 2 क्राइसोफाइट्स, ऑप्शन 3 डायनोफ्लाजिलेट्स, ऑप्शन 4 प्रोटोजोआन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज डायनोफ्लाजिलेट्स. यदि हमर रेड टाइड कॉज्ड बाय डैश डायनोफ्लाजिलेट्स रो पर्टिकुलर तर एग्जांपल जदि देखिबा दैट इज रेड डायनोफ्लाजिलेट्स जोडा को गोनियो लैक्स बोले कहा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन दिच कि आर्की बैक्टीरिया आर फाउंड इन डैश हैबिटेट. ऑप्शन 1 सॉल्टी, ऑप्शन 2 हॉट स्प्रिंग, ऑप्शन 3 मार्सी, ऑप्शन 4 ऑल द 4. द करेक्ट आंसर इज ऑल द 4 दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. जो मैंने सॉल्टी एरिया रे देखा जाती से मानों को कहा जाए हालोफाइल्स, जो मैंने हॉट स्प्रिंग रे देखा जाती से मानों को कहा जाए थर्मो एसिडोफाइल्स, देन मार्सी एरिया रे जो मैंने देखा जाती से मानों को कहा जाए मिथानोजेन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल द 4. नेक्स्ट क्वेश्चन दिच कि सियानो बैक्टीरिया हैव डैश ओनली क्लोरोफिल ए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 ओनली क्लोरोफिल बी, ऑप्शन 3 बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी, ऑप्शन 4 नो क्लोरोफिल. सियानो बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज क्लोरोफिल ए ओनली प्रेजेंट अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिच कि द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन इज डैश. स्मॉलेस्ट लिविंग नोन एज ऑप्शन 1 बैक्टीरियम, ऑप्शन 2 माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन 3 डायनोफ्लाजिलेट्स एंड ऑप्शन 4 दैट इज स्लाइम मोल्ड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज माइकोप्लाज्मा. यदि विथ सेल वॉल देखाए देन द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया. द विदाउट सेल वॉल और स्मॉलेस्ट लिविंग देन इट इज आंसर कौन हम माइकोप्लाज्मा. द नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मोस्टली मेड ऑफ डैश. ऑप्शन 1 सेल्युलोज, ऑप्शन 2 पेक्टिन, ऑप्शन 3 काइटिन एंड ऑप्शन 4 म्यूसिलेज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज काइटिन. नेक्स्ट क्वेश्चन दिच कि फंगाई शोज डैश मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑप्शन 1 ऑटोट्रॉपिक, ऑप्शन 2 हेटेरोट्रॉपिक, ऑप्शन 3 केमोसिंथेटिक, ऑप्शन 4 पैरासाइट्स. यदि देखिबा हमें फंगाई पाखरे सिम्बायोटिक भी देखा जाए देन पैरासाइट भी देखा जाए देन साप्रोफाइट्स भी देखा जाए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज हेटेरोट्रॉपिक. नेक्स्ट क्वेश्चन दिच कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द डैश ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगाई इज कॉल्ड माइकोराइजा. ऑप्शन 1 स्टेम, ऑप्शन 2 रूट, ऑप्शन 3 लीव्स, ऑप्शन 4 फ्रूट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज रूट ऑफ हायर प्लांट्स विथ फंगाई सहित जदि एसोसिएशन हुए सेटा को माइकोराइजा कहा. नेक्स्ट क्वेश्चन दिच कि फंगल थैलस इज टर्म्ड एज डैश. ऑप्शन 1 हाइफे, ऑप्शन 2 माइसेलियम, ऑप्शन 3 फोलियोस, ऑप्शन 2 फ्रुक्टिकोस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज माइसेलियम. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ईस्ट टेक्स प्लेस बाय डैश. ऑप्शन 1 एकाइनेट्स, ऑप्शन 2 एस्कोस्पोर्स, ऑप्शन 3 अप्लानोस्पोर्स, ऑप्शन 4 बोडिंग. द करेक्ट आंसर इज बोडिंग.
ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଇଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଫଙ୍ଗାଇ ବଟ୍ ଆଉ ଯେତେ ସାରା ଫଙ୍ଗାଇର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଯାହାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ସାକାରୋମାଇସିସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କି ଦ ଫଙ୍ଗାଲ ପାର୍ଟନର ଇନ୍ ଏ ଲାଇକେନ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଡାସ୍ ऑप्शन वन एस्कोमाइसेटिस ऑप्शन टू मिक्सोमाइसेट्स देन ऑप्शन थ्री बैसिडियोमाइसेटिस देन ऑप्शन फोर फाइकोमाइसेटिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन दैट इज एस्कोमाइसेटिस नेक्स्ट क्वेश्चन दिच की इन ईस्ट मियोसिस अकर्स इन डस्ट ऑप्शन वन एस्कोस ऑप्शन टू एस्कोस मदर सेल ऑप्शन थ्री एस्कोस स्पोर्स ऑप्शन फोर बोर्ड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू दैट इज एस्कोस मदर सेल नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए कि रिजर्व फूड मटेरियल इन फंगाई इज डैश ऑप्शन वन सेलुलोज ऑप्शन टू स्टार्च ऑप्शन थ्री ऑयल ऑप्शन फोर ग्लाइकोजन ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା କି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଦାଟ ଇଜ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ୟାର ଦେଖିବା ସମଟାଇମ୍ସ ବି ଅଏଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଥାଏ ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଅଛି ସୋ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଦାଟ ଇଜ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କି ଡ୍ୟୁରିଂ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଫଲୋଡ୍ ବାଇ କାରିଓଗେମି ऑप्शन वन प्लाज्मोगेमी ऑप्शन टू कंजुगेशन ऑप्शन थ्री न्यूक्लियर फ्यूजन ऑप्शन फोर मियोसिस सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन दैट इज प्लाज्मोगेमी यदि फंगाई रो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिबा तार स्टेज रो फर्स्ट स्टेज होची दैट इज प्लाज्मोगेमी जो थरे की दुईटा सेल फ्यूज होची माने तार प्लाज्मा फ्यूज होची देन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोगेमी जोटा कि सेकेंड स्टेज देन थर्ड स्टेज दैट इज मियोसिस जोटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिच्छे कि ड्यूटेरोमाइसिटिस रिप्रोड्यूसेस ओनली बाय डैश ऑप्शन वन कनिडिया ऑप्शन टू परफेक्ट स्टेज ऑप्शन थ्री असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑप्शन फोर सोमाटोगेमी So the correct answer is option 3 that is asexual method. କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଡ୍ୟୁଟେରୋମାଇସିଟିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇନ୍ପରଫେକ୍ଟ ଫଙ୍ଗାଇ ତ ଯାହାକି ଆସେକ୍ସୁଆଲ ସ୍ପୋର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ଆସେକ୍ସୁଆଲ ସ୍ପୋର୍ କର୍ନିଡିଆ ଯୋଉଟାକି ଏକ୍ଜୋସ୍ପୋର୍ସ ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏବେ ଯାଏଁ ଅନ୍ନୋନ୍ ଅଛି